हाँ मतलब आज ये है कि इसके पहले हमारे जो ड्राइवर साहब थे इनोवा वाले, उन्होंने क्लेम कर दिया कि नहीं यही बार आया था। मैंने कहा कि इसकी सजावट बता रही है कि दिव्यांका की शादी नहीं होगी। कह रहे हाँ कीचड़ भी है। मैंने कहा कीचड़ में नहीं होगी, कहीं तो पक्का ज़मीन होगा। लेकिन मज़ा आ रहा है, इनफैक्ट मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए शायद और भी अच्छा लग रहा है। थैंकफुली जितने लोग सजधज के आए होंगे उनके लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का कि जितने भारी कपड़े पहने होंगे पसीना नहीं छूट रहा होगा, तो नहीं तो मेकअप उतर जाता है सारा। आई डोंट नो, अभी बस आई एम जस्ट वेटिंग टू सी हर, आई एम वेटिंग टू सी हर फैमिली, मीट देम, बिकॉज आई नो देम सिंस वेरी लॉन्ग नाउ। इट्स बीन 7-8 years आई हैव बीन नोइंग देम, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि देखते हैं बंदर जाके क्या होता है। आप लोगों के लिए हमेशा सरप्राइज ही रहेगा। ये संगीत हमेशा याद रहेगा आपकी ग्रैंड एंट्री छाते के साथ में। और मैं पहला हूँ क्या एंट्री करने वाला? अच्छा छाते के साथ में संगीत पे कुछ मतलब एक-एक स्टेप करना चाहेंगे? अरे स्टेप तो स्टेप एक्चुअली कल बारात में जो नाचेंगे ना वो आपको बचा के रखा हुआ है मैंने, बिकॉज कल मैं पलट जाऊंगा, कल मैं बारात की तरफ से जहां ढोल वहां नाच। दिव्यांका के लिए क्या मैसेज? दिव्यांका जी आप दोनों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीर्वाद, और ईश्वर करे कि शिव पार्वती की जोड़ी की तरह आपकी जोड़ी सदैव 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 चलती रहे। धन्यवाद।